जी चाहता है जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं श्री। कितना भोला और मासूम है तुम्हारा चेहरा, जैसे दिल की सारी अच्छाई का आईना हो। डिंग डॉन्ग, वेलकम। आइए दुलू राजा। एक मिनट भाभी। दिया बुझा हुआ है। क्या है भाभी? शगुन है छोटा सा, बस ये समझ लो कि अब से हमारे बीच के सारे गिले शिकवे खत्म हो गए हैं। मुझे फक्र है श्री कि मैंने तुमसे प्यार किया है, और मैं खुशकिस्मत हूं कि तुमने मुझसे शादी की। अपने बेटे की जिंदगी और इस घर की खुशी को अंदर बुला लीजिए छोटी बा। बेटा, इस धान के कलश को गिराकर गृह प्रवेश कर। क्या बात है, तुम दोनों यहाँ क्यों रुक गए? कुछ रह गया क्या? हाँ, एक काम बाकी है, इसको कहीं सुरक्षित जगह पे रखना होगा। मंगड़ा बेन ठीक कह रही, ये काम हमें जल्द से जल्द करना हो। पर इसे रखेंगे कहाँ? मैंने इसके बारे में सोच लिया है, चलो। ये है वो संदूक जिसमें हम कंगना की राख रखेंगे। बस 7 दिन किसी भी तरह आराम से गुजर जाए, इसके बाद मैं इसे सही ठिकाने पहुंचाऊंगी। इसे संदूक में बंद कर दो। मंगड़ा बहन, इसके अंदर की कोई चीज हिल रही है। बस इसी को तो काबू में करना है। पर ये है क्या? कंगना की आत्मा। ये इस वक्त छटपटा है, ये इस वक्त बहुत कमजोर है, लेकिन 7 दिनों के बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अभी हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। श्री, जल्दी से इसे संदूक में बंद कर। हाँ।